हाय एवरीवन, लोकी का थर्ड एपिसोड रिलीज़ हो चुका है और उम्मीद है आप सभी ने देखा ही होगा। हालांकि अगर ये इस एपिसोड को हम पहले दो एपिसोड से कंपेयर करें तो ये सीरीज़ का एक लो पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन इसी एपिसोड में कुछ ऐसी डिटेल्स है जो इस स्टोरी को काफ़ी हद तक आगे बढ़ा देती है और देखेंगे हम इसी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में। पहली डिटेल है टाइम स्टोन के बारे में। हम सभी ने पहले एपिसोड में देखा था कि इन्फिनिटी स्टोन्स सारे मौजूद है टीवीए में, लेकिन वहाँ पे उनका कोई भी यूज़ नहीं है। वहाँ पे हमने लोकी को टाइम स्टोन उठाते तो देखा, लेकिन वापस रखते हुए नहीं देखा। तो शायद ये टाइम स्टोन अभी भी लोकी के पास है और हमें इस एपिसोड में उसे वो यूज़ करते हुए भी दिखाई दिया है। इस एपिसोड के थर्ड एक्ट में हमें दिखता है कि लोकी और सिल्वी लेमेंटिस वन के गार्ड से लड़ाई करते हुए भाग रहे हैं। तभी उनके ऊपर बिल्डिंग का या फिर रॉकेट का कुछ हिस्सा गिरता है और लोकी उसे अपने हाथ से रोक के वापस कर देता है। हालांकि लोकी के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है, लेकिन टाइम स्टोन की मदद से वो ऐसा कर सकता है। टाइम स्टोन की मदद से वो गिरते हुए बिल्डिंग को वापस अपनी जगह पहुंचा सकता है उसका टाइम रिवर्स करके, और शायद यही लोकी ने यहाँ पर किया है। टाइम स्टोन का यही यूज़ हमने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज में, जहाँ पर डॉक्टर टाइम स्टोन का यूज़ एक एप्पल पर करते हैं, और वही एवेंजर्स एंड गेम में टाइम स्टोन का यूज़ थैनोस विजन पे करता है माइंड स्टोन को वापस पाने के लिए। अभी लोकी के पास सच में टाइम स्टोन है या फिर नहीं, ये हमें आने वाले एपिसोड में ज़रूर पता चलेगा। फिलहाल चलते हैं अगली डिटेल पे। अगली डिटेल है हंटर C20 के बारे में, जो कि एक TVA एजेंट है। सिल्वी के साथ लेमेंटिस वन पे डिस्कशन पे लोकी को ये पता चलता है कि C20 एक वेरियंट है और वो पृथ्वी से ही है। इस बात से हम यह अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि मोबियस और सारे TVA एजेंट्स कहीं ना कहीं टाइम वेरिएंट्स हैं, और उनको TVA एजेंट बनाया दिया गया है टाइम कीपर्स के द्वारा उनकी मेमोरी इरेज करके। और आने वाले एपिसोड में अगर लोकी मोबियस को यह बता पाया कि वो भी एक टाइम वेरिएंट है, तो क्या मोबियस लोकी का साथ देगा TVA के अगेंस्ट लड़ने में, ये देखने वाली बात होगी। अगली डिटेल है सिल्वी के पावर्स के बारे में। हमने इस एपिसोड में देखा कि सिल्वी किसी को भी अपने वश में कर सकती है सिर्फ उसे टच करके, लेकिन यही चीज़ जब वो लोकी पे ट्राई करती है तो ऐसा नहीं कर सकती। इससे हमें पता चलता है कि लोकी सिल्वी से ज़्यादा पावरफुल है। जैसे ही सिल्वी को पता चलता है कि लोकी पे उसके पावर्स का असर नहीं होने वाला, तो वो लोकी का साथ देना शुरू करती है लेमेंटिस वन से बाहर पड़ने के लिए। अगली डिटेल है लोकी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में, जिसके बारे में अभी तक MCU में कहीं भी बात नहीं छेड़ी गई थी। ट्रेन पे जब लोकी और सिल्वी बात कर रहे होते हैं तो सिल्वी उससे पूछती है कि उसकी स्टोरी में कोई प्रिंस है या फिर प्रिंसेस। तब लोकी जवाब देता है कि दोनों भी। इससे साफ हो जाता है कि लोकी एक बायसेक्सुअल है। हालांकि कॉमिक फैंस के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में हमेशा ही लोकी को बायसेक्सुअल दिखाया गया है, लेकिन MCU फैंस के लिए ये काफ़ी नई चीज़ है, क्योंकि पिछले 10 साल में कहीं भी ये बात नहीं बताई गई कि लोकी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। और जैसे कि अभी LGBTQ कम्युनिटी का प्राइड मंथ चल रहा है, तो एक मार्वल की ओर से काफ़ी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है लोकी को इंट्रोड्यूस करने का एज अ बायसेक्सुअल कैरेक्टर। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड।